दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इस वाले फैन को बनाया था। दोस्तों ये जो छत का सीलिंग फैन होता है खराब था, तो मैंने इसको गाइस अपग्रेड कर दिया है। अब ये पावरफुल डीसी मोटर की सहायता से चलेगा और गाइस 12 वोल्ट की सहायता से आप लोग अपने छत के पंखे को आसानी से चला सकते हो यहाँ पर। तो इसकी स्पीड जो है गाइस बहुत ही हाई है गाइस। इसके अंदर हमने 775 ओरिजिनल डीसी मोटर का यूज किया है जिसकी स्पीड 15000 आरपीएम से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों काफी सारे लोगों का ये सवाल है कि दोस्तों इसका जो ये नॉर्मली अगर हम इसको बैटरी से देते हैं तो काफी तेजी घूमता है और इसका कंट्रोल स्पीड काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसका सवाल ये है कि यार इसके अंदर जब हम फैन लगाएंगे तो क्या ये घुमा पाएगा या फिर नहीं घुमा पाएगा, और या घुमा पाएगा तो यह हवा भी देगा या फिर नहीं, क्योंकि इसका लोड काफी ज्यादा फिर बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम आपको इस वीडियो में यही टेस्ट दिखाने वाले हैं। इसका फैन लगाएंगे और फिर आपको टेस्ट वीडियो दिखाते हैं कि क्या ये फैन इसको घुमा पाएगा या मोटर पंखे के साथ की नहीं घुमा पाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको घुमा पाता है कि नहीं घुमा पाता। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका अगर फुल वीडियो आपको देखना है किस तरह से बनाया गया है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा अच्छा देखते हैं सोलर। तो दोस्तों हमने तो इसको आपको नॉर्मल चला कर दिखा दिया। दोस्तों आपने इसका देखा स्पीड कितना हाई है गाइस। इसका स्पीड एक बार चलने आने के बाद इसको हम हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों ये वही फैन है जो नॉर्मल से घर में छत के पंखा लगा होता है, ये वही वाला पंखा है। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, बस इसके अंदर हमने पावरफुल डीसी मोटर को लगा दिया जिसकी वजह से अब ये 12 वोल्ट का डीसी फैन बन चुका है। तो अब देखना यह है गाइस कि क्या इसके अंदर जो इसका फैन होता है ये वाला, क्या इसको लगाने के बाद दोस्तों इसका लोड ये ले पाएगा या फिर नहीं ले पाएगा, इसको देखना है। और इसको हम इसको लटकाने के बाद देखते हैं, इसको चलाने के बाद क्या इसकी स्पीड वही होती है या फिर स्पीड कम होती है या नहीं लोड ले पाता है, इसे देखने वाला है। तो अब आप लोगों का जो सवाल है ये भी पूरा होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों अभी कभी आप लोग लाइक करके फिर से कमेंट कर दीजिए अगर कोई सवाल है। तो इसके बाद तो यहाँ पर इसके हम स्क्रू को लगाकर टाइट कर देंगे इसे सारे फैन को आपस में कुछ इस तरह से। इस तरह से इसके फैन को दोस्तों हमें अच्छे से लगा लेना है। इस तरह से टाइट कर देना है ताकि हमारा फैन चलते समय घूम के निकलने न पाए, कि चलते हुए निकल जाएगा तो काफी बड़ा लोचा कर सकता है। इसलिए तो दोस्तों अब ये फाइनली 1200 mm का फैन हमने इसके अंदर लगा दिया है। अब दोस्तों ये हवा काफ़ी तेज देने वाला है, लेकिन अब इसके अंदर जो ये खास बात यह है कि ये चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा ये मुझे पता नहीं है दोस्तों, मैंने टेस्ट नहीं किया है। तो अब मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ कि क्या ये लोड ले पाएगा या फिर नहीं ले पाएगा। और हाँ इसके अंदर सबसे खास बात यह है, एक बार बता देता हूँ कि इसका जो शाफ्ट लगा हुआ है ये निकलने वाला नहीं है। अगर आप लोगों का ये सवाल है तो आप लोग समझ जाइए कि ये निकलेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका जो साइकिल का छुच्ची होता है ये वाला चीज़ है, इसके अंदर मैंने शाफ्ट के ये जा नहीं जाता इसके अंदर। तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ठोका है और टेप लगाया। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से सुपर ग्लू को लगा दिया ताकि ये लॉक हो जाए और ये चलते समय गिरेगा नहीं। तो इसलिए इसका शॉफ्ट भी काफ़ी मोटा था, क्योंकि यार इस वाले मोटर का ये डबल था इसलिए काफ़ी हैवी होता है इसका शॉफ्ट। और इस तरह से काफ़ी मजबूती के साथ इसको मैंने चिपका दिया। तो ये चीज़ें अब निकलेगा नहीं, आप लोग इसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने इसको ट्राई कर लिया था। तो अब चलिए इसको हम लटकाते हैं और फिर चलाकर दिखाते हैं आपको इसकी स्पीड कितनी है या फिर चल पाता है कि नहीं चल पाता है। चलिए चलो ये। तो दोस्तों हमने फाइनली यहाँ पर पंखे को लटका दिया है। देखे तो यहाँ पर तार से बांध दिया अच्छे तरीके से काफी मजबूती के साथ, और यहाँ पर ये फैन लगा हुआ है इसके अंदर डीसी मोटर। तो अब आपको स्टेशन के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से चलता है और इसकी स्पीड कितनी आती है। तो यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर, इससे मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ताकि बात मिल जाए बात। तो गाइस यहाँ पर हम बैटरी को इसके अंदर डाल देंगे, यहाँ पर थोड़े से बढ़ाओ इसे, देखो ये देख सकते हैं ये हमारा पंखा चल रहा है दोस्तों।
स्पीड अभी बढ़ा रहा है तो ये थोड़ा बहुत तो हवा तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर हमारा जो फैन है इसको मैंने लगा दिया है और ये चल भी रहा है लेकिन उतना ज्यादा स्पीड नहीं है जितना हमने सोचा था, इसलिए यहाँ पर ये 12 वोल्ट की बैटरी जो है ये छोटा है और साथ साथ खराब बैटरी, इसलिए ये इतना ज्यादा लोड नहीं ले पा रहा है। और साथ साथ ये मोटर है इसका लोड भी काफी ज्यादा पड़ रहा है, इसके जो 12 mm का फैन है ये काफी ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से हमारा मोटर पर काफी लोड पड़ रहा है। इसलिए इसको अगर हम 36 वोल्ट की पावर देंगे तो गाइस इसका आरपीएम जो है ये काफी हाई होने वाला है, तो इसलिए इतना ही ज्यादा आरपीएम देगा, इससे ज्यादा स्पीड नहीं दे सकता, लेकिन गाइस थोड़ा बतवा देता है, लेकिन गाइस जितना चाहिए था उतना नहीं दे रहा है, तो इसलिए आप लोग इसको बना भी सकते हो और नहीं बना सकते हो, अगर साइंस प्रोजेक्ट बनाना तो कर सकते हो वरना कर सकते हो। तो गाइस जो आप लोगों का सवाल था मैंने वो करके दिखाया और यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी से इसको चला भी दिया और चला भी गाइस, लेकिन उतना स्पीड नहीं जितना हमने सोचा था, तो इसलिए आप लोग इसको बनाना मत, तुम्हें कैसे कर सकते हो कोई मतलब नहीं, इस तरह से ये काम कर। तो गाइस ये इसी तरह से चलेगा, आप देखते हैं जब मैंने इसके अंदर फैन बांध दिया तो ये इससे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा पा रहा है, और इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इसके मोटर का जो है लोड काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ चुका है, इसका फैन जो है 12 mm का है, अगर दोस्तों इसका छोटा फैन होता तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से पावर को बनाता है और काफ़ी इसकी स्पीड भी होती है, लेकिन इसका आरपीएम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है और लो है, इसलिए ये इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहा, लेकिन चल जाएगा इतना ज़्यादा एक काम कर रहा है, हल्का फुल्का हवा भी दे रहा है, ऐसा बात नहीं है क्योंकि चलेगा तो हवा तो देगा ही थोड़ा। तो दोस्तों आपने देखा जिस तरह से गाइस हमने सोचा था बिल्कुल भी उस तरह से काम नहीं कर रहा है, और आप लोगों ने कमेंट किया था गाइस कि इसका फैन लगाकर चला तो मैंने चलाकर दिखा दिया, इसकी स्पीड जो है गाइस वो बहुत ही स्लो चल रहा है क्योंकि इसका मोटर पे काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है, और साथ से गाइस हमारी जो बैटरी है ये बैटरी खराब है, उतना बैकअप नहीं दे पा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, तो आप लोग इसके अंदर कम से कम गाइस 30 एम्पीयर का आप बैटरी यूज करिए या फिर गाइस आप लोग इसको लार्ज सोलर से भी चला सकते हो, और इसके मोटर को भी आप लोग काफी हैवी लगाना पड़ेगा तब जाकर ये चला पाएगा इतना बड़े फैन को, वरना ये लोड नहीं ले पाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके, हम मिलते हैं इस तरह किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।